अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त होट सैयद ईशान इस वक्त मौजूद है फाइव स्टार चौरंगी पे। इमाम क्लिनिक आपको नज़र आ रहा होगा और ये इमाम बारगाह है, और आप देख सकते हैं कि पानी का एक बहुत बड़ा रेला जो है वो सड़क पर चल रहा है। कराची में तरक्याती काम किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ इस बार इसमें एकदम नहीं हूँ कि तरक्याती काम जो है कराची में नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है और बहुत अच्छा किया जा रहा है। यानी जो सिस्टम बनाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बस हुकूमत को चाहूँगा कि वो ज़रा सा इसके ऊपर भी नज़र ऐसानी करे कि ये जो पानी जो सड़क पर चलने लगता है इसके लिए भी ड्रेनिंग सिस्टम बनाया जाए। यानी सिर्फ चौरंगियों पे आके नहीं निकले, असल में ये पानी अब आप देख सकते हैं कि ये फारूक आज़म की साइड से चलकर आ रहा है और अब यहाँ पर आके ये नाले में गिर रहा है मुख्तलिफ़ जगह पर, इधर और इधर, ठीक है ना। तो बस कहना ये था हुकूमत से कि काइंडली इस चीज़ को भी देखिए कि जो बीच में पॉकेट्स बने हुए हैं, जैसे फारूक आज़म हो गया, टूकी का स्टॉप हो गया, हैदरी मार्केट हो गया, इन पॉकेट्स में भी कोई ऐसा सिस्टम मौजूद होना चाहिए कि पानी वहीं से नालों के अंदर चला जाए और तो आवाम को ये मुश्किल का सामना न करना पड़ेगा जो आवाम को अभी करना पड़ रहा है। यानी जो पानी सड़क पर चलता है ना, इससे आवाम काफ़ी परेशान होती है। नाले बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक दफ़ा दोबारा तारीफ़ करूँगा सिंध हुकूमत की कि उसने कराची को देखा और वहाँ पर तरक्याती काम शुरू करे। बस ख्याल ये करने की ज़रूरत है कि इन तरक्याती कामों के साथ साथ जो है वो देखा जाए कि शाहराओं के बीच में, यानी चौरंगियाँ जो बनी हुई हैं उनके अलावा बीच में भी कोई ऐसे पॉकेट्स होने चाहिए जहाँ से ये पानी नालों के अंदर चला जाए। सैयद ईशान, कराची अलर्ट कराची, फिर किसी मुद्दे पे हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।